हेलो एवरीवन, ये पिछली वीडियो का अगला पार्ट है, तो चलिए इस वीडियो में भी फटाफट से कुछ क्वेश्चंस देख लेते देखिए, हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी मेंटेन किया गया है इंडियन पॉलिटी में किसके फिलोसफी से? तो डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जो पावर है उसको सेपरेट किया गया है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, इन तीनों के बीच। और तीनों एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। ठीक है, क्लियर। अब है, हु वाज द पॉलिटिकल थिंकर हु प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर? मॉन्टेस्क्यू, एन 18th सेंचुरी फ्रेंच सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर। नाम याद रख लेंगे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को किसने किसने बताया था, तो वो कौन था, मॉन्टेस्क्यू, और ये कौन था, एक 18th सेंचुरी का फ्रेंच सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर था, फ्रेंच सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर था। ठीक है, अ मेजर पोर्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, बताया था ना, 1935 का जो एक्ट था उससे 85% कॉन्स्टिट्यूशन को दिया गया है 1935 एक्ट से। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इज मेड रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये किस चीज पे बेस्ड है, किस पॉलिटिकल फिलोसफी पे बेस्ड है, क्या है, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, मतलब कोई जो काम कर रहा है उसको कोई दूसरा देख रहा है अगर, तो उससे क्या होगा, एक बैलेंस बना रहेगा कि मनमानी नहीं होगी, वरना डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप में जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, तो इसलिए कोई चेक करने वाला होना चाहिए जो उसको चेक करता रहे। ठीक है, क्लियर हो गया, चलते हैं नीचे और देखते हैं बाकी के क्वेश्चंस। वो टेबल देख लेते हैं पहले, जो टेबल है उससे एक बार ब्रीफ कर लेते हैं कि किससे क्या लिया गया है। ठीक है, तो पहला है आयरलैंड, देखिए आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट लिया गया है आयरलैंड से, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये भी लिया गया है, और नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, पहला सबसे कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना, ठीक है, प्रेसिडेंट को इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऐसे आप कह सकते हैं, प्रेसिडेंट इलेक्शन, दूसरा डीपीएसपी, दूसरा क्या है, डीपीएसपी, और तीसरा क्या है, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, प्रेसिडेंट के का इलेक्शन, डीपीएसपी और नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, ये तीन चीज लिया गया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, ये कहां से लिया गया है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये कहां से लिया गया है, ये इससे क्या क्या चीजें ली गई हैं, तो इससे तो बहुत सारी चीजें ली गई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, ऑफिस ऑफ गवर्नर, फेडरलिज्म, इमरजेंसी, जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, बहुत ढेर सारा भाई, इंपॉर्टेंट यही है, गवर्नर का ऑफिस, फेडरलिज्म, इमरजेंसी, जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑफिस ऑफ गवर्नर किससे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फेडरलिज्म किससे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इमरजेंसी किससे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जुडिशियरी किससे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। देखिए जुडिशियरी और जुडिशियल रिव्यू ये दो अलग अलग है, जुडिशियल रिव्यू की बात करेंगे तो वो लिया गया है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन अगर जुडिशियरी की बात करेंगे तो वो लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। अगला है पब्लिक सर्विस कमीशन, कहां से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। ठीक है, अब देखते हैं यूएसए, यूएसए से दो इंपॉर्टेंट मैंने ऑलरेडी बता रखा है क्या क्या, एक प्रियम्बल और दूसरा फंडामेंटल राइट्स, जिसको वहां पे बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, ये दो तो याद ही हो गया होगा, प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट्स। इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू, इंपीचमेंट, प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ जज, मतलब जज और प्रेसिडेंट का जो इंपीचमेंट है, जज और प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट है वो लिया गया है यूएसए से, है ना, यूएसए के प्रेसिडेंट को अक्सर इंपीच किया जाता है, ऐसा एक कोड बना सकते हैं। उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को भी इंपीचमेंट अगर आप हटाना चाहते हैं तो उनके इंपीचमेंट की भी स्टोरी कहां से ली गई है, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। और लास्ट में प्रीएम्बल बता चुका हूं, फंडामेंटल राइट बता चुका हूं, जुडिशियरी का इंडिपेंडेंस ये छूट गया था, मतलब जुडिशियरी से रिलेटेड चीजें जो है वो सब किससे लिया गया है, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से जुडिशियरी लिया गया है, बाकी उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो कहां से है, यूएसए से। इसके बाद है कनाडा, कनाडा से क्या क्या लिया गया है, रेसिड्यूरी पावर टू सेंटर, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, तीन चीजें कौन कौन सी, कि रेसिड्यूरी पावर जो है वो सेंटर पे है, तो अगर सेंटर के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि फेडरल गवर्नमेंट की चर्चा होगी, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर ये भी वहीं से लिया गया है, और सी से सेंटर, सी से कनाडा, याद रखने के लिए थोड़ा सा, सी से सेंटर और सी से कनाडा, और तीसरा है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ये भी कहां से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। अगला है यूके कॉन्स्टिट्यूशन, यूके कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, लॉ मेकिंग प्रोसीजर कहां से लिया गया है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर लिया गया है यूके कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर कहां से लिया गया, यूके कॉन्स्टिट्यूशन से। सिंगल सिटीजनशिप ये कहां से लिया गया, यूके से, मतलब कि अगर आप इंडिया का सिटीजन है तो स्टेट का सिटीजन का कोई मतलब नहीं है, जैसे ऑस्ट्रेलिया यूएसए में होता है ड्यूअल सिटीजनशिप, इंडिया में क्या होता है, सिंगल सिटीजनशिप, अमेरिका ब्रिटेन में क्या होता है, सिंगल सिटीजनशिप। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ये कहां से लिया गया है, यूके से, ऑब्वियस सी बात है, पार्लियामेंट की शुरुआत ही इंडिया में कहां से हुई थी, यूके से, ब्रिटेन वालों ने अपना पार्लियामेंट बनाया था तो ये कहां से आया है, यूके से। इसके बाद कैबिनेट सिस्टम, ये भी यूके से है, बाइकैमरलिज्म ये भी यूके से है, बाइकैमरलिज्म, कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, इससे जितने भी ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद यूएसएसआर से बड़ा ही आसान है, फंडामेंटल ड्यूटी, प्लानिंग और आइडिया ऑफ जस्टिस इन प्रीएम्बल, प्रीएम्बल कहां से लिया गया, यूएसए से, और आइडिया ऑफ जस्टिस इन प्रीएम्बल कहां से लिया गया है, यूएसएसआर से, यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से। अगला है साउथ अफ्रीका से, तो ये बहुत आसान है बता चुका हूं, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट और राज्यसभा इलेक्शन,
राज्यसभा इलेक्शन, दो चीजें अमेंडमेंट और राज्यसभा इलेक्शन कहां से लिया गया है, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। अगला है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सबको याद होगा कि आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी और रिपब्लिक, दो चीज है, क्या क्या, आइडिया ऑफ इक्वालिटी लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी एफ आर, देखिए फ्रेंच फ्रेंच एफ आर ई एन सी एच, फ्रेटर्निटी दोनों में फ्रे फ्रे है और फ्रेटर्निटी से आपको याद रह जाएगा लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, प्रीएम्बल में यूज किया गया है तीनों वर्ड लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और दूसरा रिपब्लिक, ये कहां से लिया गया है, फ्रेंच से लिया गया है, फ्रेंच से लिया गया है, इसको ऊपर कर देता हूं, ठीक है। इसके बाद है जापानीज से क्या लिया गया है, अच्छा ये रह गया क्या, ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है कंकरेंट लिस्ट और ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेस, कंकरेंट लिस्ट और ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेस, कंकरेंट लिस्ट और ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेस, कंकरेंट लिस्ट और ज्वाइंट सिटिंग ऑफ हाउसेस कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलियन से लिया गया है। इसके बाद चलते हैं अपन कि वेमनार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, इससे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज लिया गया है, इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये कहां से लिया गया है, जर्मनी से, इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये कहां से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये कहां से लिया गया, देखिए बहुत कंफ्यूजिंग है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर लिया गया है यूके से, लॉ मेकिंग प्रोसीजर लिया गया है यूके से, लॉ मेकिंग प्रोसीजर लिया गया है यूके से, लेकिन यही चीज मैं यहां पे देखूं, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहां से लिया गया है, ये लिया गया है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से, तो भैया याद करना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन है लॉ मेकिंग, और यही फंसाएगा एग्जाम में, लॉ मेकिंग प्रोसीजर कहां से लिया गया है, यूके से लिया गया है, लेकिन अगर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहां से लिया गया है, जापानी से, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर लिया गया है यूके कॉन्स्टिट्यूशन से और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिया गया है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से, दोनों अलग अलग है, इसको एक नहीं करना है, ठीक है, चलिए बाकी अगले वीडियो में।